नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रदेश सरकार के बजट से उज्जैन शहर को मिली एक बड़ी सौगात। यहां पुराने और नए शहर को जोड़ने वाले एकमात्र अति प्राचीन फिंगर्ज ब्रिज के पास अब नया ब्रिज बनेगा। दरअसल यहां वर्ष 2016 से शहरवासियों द्वारा नए ब्रिज की मांग की जा रही है। बजट में ब्रिज के लिए 55 करोड़ रुपए का प्रावधान स्वीकृत होने पर शहरवासियों ने खुशी जताई है। यह शहरवासियों ने उज्जैन दक्षिण के विधायक व प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ब्रिज की सौगात देने के लिए धन्यवाद दिया है। नया ब्रिज बनने से शहर में बार बार जाम लगने की स्थिति से निजात मिलेगी। एक और फ्रीगन ब्रिज जो पैरेलल स्वीकृत हुआ है, किस प्रकार से राहत मिलेगी उज्जैन वासियों? बहुत ज्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि आए दिन धरना प्रदर्शन रैली जो आयोजित होते रहते थे उज्जैन शहर या कोई भी शहर में, तो एक ही ब्रिज जो मेन होने के कारण उस पर जाम लगता था, जिससे पब्लिक को बहुत दिक्कत होती थी। और ये मैं साधुवाद देना चाहूंगा माननीय विधायक महोदय जी, मंत्री महोदय जी को, कि जिनके प्रयासों से ये काम अब संभव हुआ है, जिसकी काफी वर्षों से दरकरार थी। विवेक सक्सेना, एक और नया स्वीकृत हो गया है उज्जैन के जो विधायक और जो मंत्री हैं उनकी, उससे तो किस प्रकार से आपको राहत मिलेगी या क्या आपके लिए सौगात है? सर, जैसा कि मैंने देखा है, मोहन यादव जी जो हमारे मंत्री महोदय हैं, वो हमेशा उज्जैन के विकास के लिए निरंतर कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से सर, एक ब्रिज की बहुत सख्त आवश्यकता थी। उज्जैन के लोग तो इस ब्रिज की आवश्यकता महसूस कर ही रहे थे, तो उन्होंने अपने प्रयत्नों से जो इस ब्रिज के लिए कार्य किया है और स्वीकृत हो गया, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री उच्च शिक्षा, उज्जैन की सभी जनता को बधाई देना चाहूँगा। यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने जो कल हमारे लिए बजट प्रस्तुत किया, उसमें पूरे प्रदेश के कई उच्च शिक्षा के कामों के साथ साथ उज्जैन नगर की दृष्टि से भी हमने विभिन्न विभागों में बहुत सारे काम मंजूर कराए, खास करके फ्रीगंज के समानांतर 55 करोड़ की लागत से ब्रिज, इसी प्रकार से जयसिंहपुरा में अंडर ब्रिज, जगलालपुर धतरावदा में ब्रिज और कई सारी सड़कों की सौगात लाए हैं। मेरी अपनी ओर से इस पूरे अभियान में उत्तर दक्षिण के विधायक माननीय पारस जी और हम लोग सरकार के साथ विकास के मामलों में लगातार एकजुट होकर बढ़ते रहते हैं। इसी प्रकार से हमारे सांसद अनिल फिरोजिया जी यशस्वी प्रधानमंत्री से कई सारी सौगात लाए, आने वाले समय में उज्जैन की निश्चित रूप से दशा बदलेगी। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई।